कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। अच्छा, हमको सिखा रही है। दोस्तों, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करने वाली कहावत क्या होती है, ये आप आदि पुरुष फिल्म को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने 600 करोड़ रुपए लगाकर 6000 करोड़ की कमाई करने का इरादा बनाया था। उनको लगा कि आजकल तो लोग कुछ ज्यादा ही रामायण, महाभारत, जय श्री राम, हिंदू धर्म का ज्वालामुखी दिल में फूट रहा है, चलो वैती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर सालों से गंदे हाथ हों तो गंगा पानी भी उसे धो नहीं पाता है। स्टोरी टेलिंग से लेकर डायलॉग और VFX तक हर एक चीज को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगा कि हम अपने इतिहास से जुड़ी कोई चीज देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कार्टून देख रहे हैं। इससे लाख गुना अच्छी, माफ करिएगा, इससे करोड़ों अरबों गुना अच्छी तो रामायण वो थी जो 80 के दशक में रामानंद सागर ने बनाकर तैयार की थी। अगर आदि पुरुष के मेकर्स को हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स का मिला जुला मिश्रण बनाना ही था तो रामायण के इतिहास के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्या ये धर्म के नाम पर चलाए जाने वाला एजेंडा है या फिर धर्म को नीचे गिराने की सोची समझी साजिश है? आज हम सब कुछ जानेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अब तो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिख दी है और कहा है कि आदि पुरुष की स्क्रीनिंग बंद कर देनी चाहिए और इसे भविष्य में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि मनोज मुंतशिर को जान से मारने की धमकी तक मिल चुकी है। अब आपको बता दें कि ये वही मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने बाहुबली के हिंदी डायलॉग्स लिखे थे। तब तो इनकी खूब सराहना की गई थी और जब से इन्होंने रामायण जैसे पवित्र इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करके ये छपरी टाइप्स वाले डायलॉग फिल्म में डाले हैं ना, लोग गुस्से से आग बबूला हो उठे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के मुख्य पंडित सत्येंद्र दास ने आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग कर डाली है, क्योंकि फिल्म में भगवान श्री राम, हनुमान और रावण को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया गया है और ये बात पूरी तरीके से सच भी है। हनुमान जी द्वारा नीचे दर्जे के डायलॉग बोलना, रावण को किसी मुगल सम्राट की तरह दिखाना और सोने की लंका को नर्क से भी बदतर दिखाना, ये सब कुछ भी हो सकता है लेकिन रामायण का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता ही। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ये कहते हैं कि लोगों को रावण से इतना लगाव क्यों हो गया है, वो तो दुष्ट है, वो तो राक्षस है, उसने माता सीता का हरण किया था। अब देखा जाए तो ये बात सच भी है कि रावण राक्षस था लेकिन उसी के साथ ही वो ब्राह्मण भी था और सर्व बुद्धिमान भी था, जिसके पास इतना था कि अगर वो चाहता तो स्वर्ग तक का रास्ता बनवा सकता था। ऐसे में रावण को टिकटॉक बनाने वाली छपरी की तरह दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आदि पुरुष में रावण के सच को दुनिया के सामने लाना ही था तो जैसा रामायण में लिखा था वैसा ही दिखाना चाहिए था। क्यों अपना दिमाग लगाया? क्योंकि अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए आदि पुरुष सभी रिकॉर्ड तोड़ देती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। जहां सबसे बड़ा सदमा तो लोगों को आदि पुरुष के डायलॉग से लगा। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई तो क्या कहा गया? जली ना। आखिर ये सब क्या है? फिल्म में ये तक कहा गया कि हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाओगे तो लंका लगा देंगे, मतलब चल क्या रहा है? ये डायलॉग्स कम और सड़क छाप लोगों की बातचीत ज्यादा लग रही है। इस तरह के आलतू फालतू डायलॉग तो किसी नॉर्मल या फिर क्लासिक फिल्म में नहीं होते हैं। यहाँ पर तो एक नए तरीके से रामायण को दिखाने की कोशिश करी गई थी। हाँ, माना कि फिल्म के मेकर्स कहते हैं कि इस फिल्म को नई जनरेशन के लोगों के लिए बनाया गया ताकि वो फिल्म से रामायण के बारे में सीख सकें, पर हमें नहीं लगता कि इस फिल्म में सीखने लायक कुछ है। अगर नई जनरेशन इस फिल्म से रामायण के बारे में सीखेगी तो उसे वाकई में अपने इतिहास से नफरत हो जाएगी कि क्या बात करो, ऐसा इतिहास था हमारा। मतलब इससे अच्छा है कि इंसान अपने बच्चों को घर पर बैठा कर टीवी में रामानंद सागर की रामायण दिखा दे। बच्चे ना केवल उससे रामायण की सच्चाई के बारे में समझेंगे बल्कि महसूस भी करवाएंगे कि सतयुग में सादगी और न्यास किस तरह से सर्वोपरि था। लेकिन नहीं, फिल्म के मेकर्स ने तो इतिहास के साथ में खिलवाड़ करने की जैसे ठान ही रखी है। तभी तो फिल्म के डायलॉग राइटर जिन्होंने ये छपरी वाले डायलॉग्स लिखे हैं, मनोज मुंतशिर साहब, जनता उनके ऊपर इतना खुन्नस खाकर बैठी है कि वो अपनी सफाई में ये कहते हैं कि हमारी दादी भी इसी तरह से रामायण सुनाया करती थी और मैंने तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये डायलॉग्स लिखे हैं। ऑफिस के बाहर चप्पल उतार कर मैंने ये डायलॉग्स लिखे हैं और जानबूझकर लिखे हैं। सच कह रहे हैं मनोज साहब, अगर चप्पल उतार कर इस तरह के डायलॉग्स लिखे हैं तो यकीन मानिए चप्पल पहनकर तो ये न जाने क्या ही उल्टा सीधा लिख देते। अच्छा,
बचा हुआ चप्पल उतार कर लिखा इन्होंने। लगता है इनका बस चलता तो ये फिल्में गाली गलौज करने से भी पीछे नहीं हट। फिल्म में हनुमान जी को एक सड़क छाप गुंडे की छवि देने की कोशिश करी गई है जो उल्टी सीधी बातें करता है, किसी पर भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये फिल्म बनाने वाले लोग ये भूल गए कि ये वही हनुमान जी हैं जिनके पास न केवल अपार शक्तियां हैं बल्कि ये वेदों का भी पूरा ज्ञान रखते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें इनके मुंह से कभी निकल ही नहीं सकती थी। आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग हनुमान जी को उनके क्रोध और उनके बल की वजह से जानते हैं, जबकि इतिहास में उनकी छवि मुस्कुराते हुए एक ऐसे भगवान की है जो स्वयं को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं और राम नाम से ही उनकी पूरी दुनिया बसती थी। पूरी दुनिया में भी ढूंढ लिया जाए ना तो हनुमान जी जैसा शांत और करुणावान व्यक्ति कहीं मिल ही नहीं सकता है। दोस्तों, धर्म का उपयोग पॉलिटिक्स में तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स में भी पॉलिटिकल भाषा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तभी तो जब भगवान श्री राम लंका की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो भगवा झंडा गाड़ने की बात करते हैं। अब ऐसे में भगवान के नाम पर भगवा रंग को इस तरह से दर्शाना सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने रंग को नहीं बांटा है बल्कि हम इंसानों ने रंग को बांटा है। पर ये सब करने के बावजूद भी जनता को ये फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि जनता भगवा झंडा या भगवा रंग को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है, बल्कि जनता इतिहास के साथ इंसाफ चाहती है। जानना चाहती है कि अगर रामायण या महाभारत के नाम पर कुछ बनाया जा रहा है तो उसे सही ढंग से दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, या फिर गलत चीजों को दिखाकर इतिहास से गुमराह किया जाएगा, क्योंकि जो लोग आज ये सब देख रहे हैं कल उनके बच्चे देखेंगे। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत का है, जिन्हें ना ही स्टोरी टेलिंग का पता है और ना ही कास्टिंग का। न जाने वो 3 घंटे में कौन सी रामायण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो इतना बड़ा बजट लगाकर फिल्म बना ही रहे थे तो उन्हें फिल्म को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाना चाहिए था रामायण की कहानी को, ताकि अच्छे तरीके से सुनाया जा सके। फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड दिखाने के चक्कर में फिल्म मेकर जरूरी चीजें बताना ही भूल गए, जैसे कि रावण की मौत कैसे होती है। अरे भाई, जब नई जनरेशन के लिए फिल्म बनाई जा रही है तो क्या उसे बिना रावण की मौत दिखाए ही रामायण की कहानी को समझा दोगे क्या? नहीं ना। कम से कम विलन कैसे मर रहा है, विलन की क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार रावण की नाभि इतनी कमजोर क्यों होती है, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो मर जाता है, ये तो बताना चाहिए था ना। तभी तो लगेगा कि भगवान श्री राम ने किसी शक्तिशाली राक्षस, किसी ज्ञानी ब्राह्मण को मारा है, कोई ऐरे गहरे छपरी को थोड़ी मारा है। और राम के किरदार को तो हम क्या ही कहें। हाँ, माना कि प्रभास एक शानदार एक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किरदार को कर लेंगे, और खास तौर पे राम के किरदार के लिए परफेक्ट है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, इस किरदार को निभाने के लिए प्रभास ने कुल 120 करोड़ रुपए लिए हैं। मतलब इतने में तो कांतारा जैसी 6 सुपर डुपर हिट फिल्में बन जाती। नहीं भाई साहब, फिल्म के मेकर्स को तो पैसे कचरे के डिब्बे में बहाने थे, आग लगाना था उसपे। तभी तो इन्होंने इतनी खराब कास्टिंग करी और वीएफएक्स के नाम पर हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन्स कॉपी पेस्ट करके चिपका दिए। मतलब दोस्तों, सच में अगर आपने आदि पुरुष देखी होगी तो आपको रावण सागर की रामायण जरूर याद आई होगी कि कैसे बिना ज्यादा खर्चा किए हुए, बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए इतने साधारण तरीके से पूरी रामायण को 78 एपिसोड में दिखाया गया था। और कास्टिंग तो इतनी जबरदस्त थी कि हर एक किरदार ने अपनी जान लगा दी थी। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से लेकर हनुमान जी के किरदार को जीवन करने वाले दारा सिंह तक, हर किसी ने अपने काम को इतनी खूबसूरती से किया था कि जब भी कभी रामायण के किसी किरदार का जिक्र होता है तो दिमाग में उन्हीं की छवि आती है। अब इस तरह के इतिहास के साथ खिलवाड़ करके फिल्म बनाना और इतने बेकार तरीके से उसे दर्शाना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, और सही कह रहे हैं। इसे सिनेमाघरों से हटाने की मांग कर रहे हैं और कई सारे सिनेमाघरों में लोग जाकर शो बंद करवा दे रहे हैं, और इसे OTT प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भी रोक लगाई जा रही है। अब आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप भी इस फिल्म को बॉयकॉट करते हैं या फिर एक बार इसे देखना चाहेंगे? आपका जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।